देखिए आज तक में ऐसा नहीं हुआ, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा पूरा ऑर्डर कैंसिल समझो। अब मैनेजर जी जरा यहाँ आइए ना, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा एडवांस का दिया हुआ पूरे का पूरा पैसा अभी का अभी वापस करो। एक तो खाने में स्वाद नहीं और ऊपर से टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। भाई साहब खाने में स्वाद नहीं? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? पहले चखो फिर बात करो। चख लिया मैंने। भाई साहब एक निवाला तो टेस्ट करो। अरे नहीं मैंने अभी खाना चख लिया यहाँ पे। बहुत लजीज खाना है। कोई टेस्ट नहीं खाने में यहाँ पे। देखिए तो सही। ये खाना यहाँ का है? कैसा है? कमाल करते हो, इतना बढ़िया खाना इनको दे देते हो और हमारे लिए वो बेस्वाद खाना? नहीं मेरा मतलब है भाई साहब एक मिनट। देखिए घर में जब खाना बनता है तो कभी ना कभी नमक कम ज्यादा तो हो ही जाता है, कभी तो सरसों का तड़का भी जल जाता है। अब आपके माँ के हाथ का बनाए हुए खाने में भी कभी ना कभी नमक मिर्च तो कम ज्यादा हुई होगी ना? हाँ वो तो है। तो फिर आप इनको क्यों डांट रहे हैं? आपके खाने में और हमारे खाने में कोई फर्क नहीं है, सब यहीं का खाना है, इनका बनाया हुआ। वाह इस खाने ने तो पूरा मूड ही बदल दिया। I'm sorry, मैं जरा ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। हा? वो क्या है ना, शाम को घर पे पार्टी है उसी के टेंशन में आ गया था। हाँ लेकिन अब मेरा ऑर्डर पक्का। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ खाना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हा? और एक बात, अब 50 की जगह 100 प्लेट का ऑर्डर कर देना। खाना बहुत बढ़िया है। वो क्या है, बीवी को खुश करने का एक और मौका मिल जाएगा और इसी बहाने अपने कुछ और दोस्तों को भी इनवाइट कर लूंगा। अच्छा अच्छा चले। वाह ये आपने क्या कर दिया, इतना अच्छा खाना। चक्कर तो मेरा ऑर्डर होता तो भी मैं डबल करवा देता। अब ऐसा खाना हम कहां से बनाएंगे? बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल दिया आपने। ओ मैनेजर जी आप चिंता क्यों करते हो, बन जाएगा खाना और बिल्कुल ऐसा बनेगा। 100 प्लेट खाना तो हम पलक झपकते ही बना देंगे। खाना बनाने में पूरे भटिंडा में मेरी बहुओं का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जब ये साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर आप लोग क्यों? अगर हम यहाँ आके अपना खाना खा सकते हैं तो बना भी सकते हैं, है ना? चलो अजी चलो। चलो 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 आ जाओ। ओ मेरे बंदूरा। दास बाबू आप उनको मौका देंगे ना, भटिंडा वाले चमक जाएंगे। हाँ 3 दिन में मुंबई पहुंच रहे हैं। बल्ले बल्ले ग्रुप। चंपक भाई संपर्क वॉट अबाउट, आप बस देखते जाइए, मैं उनको यहाँ से कहाँ पहुँचा देती। बस 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 काफ़ी उम्मीद है आपसे, गांव के सीधे साधे बढ़िया से कलाकार हैं, आप उनके लिए अच्छे शो तो ऑर्गेनाइज करना दास बाबू। हाँ ये तो हमारे रोज के काम है चंपक भाई। संपर्क भाई वॉट अबाउट, आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन तो होगा ही ना भाई, मेरे और मेरे भाई चंपक भाई की वजह से पंजाब से वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अब जिम्मेदारी लिए तो निभाना पड़ेगा ना दास बाबू। आपकी फिक्र मेरे फिक्र, आप घर जाइए और आराम कीजिए, अब मैं फिक्र करूंगी। ओ मेरे बंदूरा। आपकी घंटी बज रही है। हेलो और हरी प्रसाद, ओ कहाँ सिग्नल पे खड़े हैं? हेलो हेलो, अरे सिग्नल वीक है, मैं सिग्नल पर आ जाता हूँ। अच्छा ओके, अरे हाँ दास बाबू थैंक यू। हाँ दास बाबू आपको भी अरे दास बाबू के साथ बच के देख के संभाल के जाना पुत्र। अरे बहन जी आप अब कमाल के कलाकार हो, ये बल्ले बल्ले में आप रसोई का शो करते हो? जी
आप खाना बनाने की बात करते हैं, हम तो मानते हैं कि खाना खाना भी एक कला है। स्टेज पे सिर्फ कला नहीं होती है, कला हर चीज में होती है। वाह क्या बात कही है जी, समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ओ पाजी सीधी सी बात है, किसी भी काम को ड्यूटी से करो तो वो जी काम है, उसी काम को ब्यूटी से करो तो वो जी कला है। वाह वाह वाह, आप लोग तो कमाल की बातें करते हो, कमाल का खाना बनाते हो आप लोग। वैसे धन्यवाद हमारे कि आप जैसे कलाकार हमारे ढाबे में पधारे हैं। वैसे बम्बई जा रहे हो आप? हाँ जी। लेकिन जरा संभल के, आजकल रास्ते पे बहुत लूटपाट हो रही है। वो पट्टे भेस बदल बदल कर लोगों को ठगते हैं, उनको देखा? वो नेपाल से आए थे घूमने के लिए, क्या हालत कर दी है चोरों ने उनकी। ये नेपाल से आए हैं? ये चोर लूटते हुए अपना भेस बदलते हैं या जिनको लूटते हैं उनका भेस बदलते हैं? ओ नहीं जी नहीं जी, वो भेस तो खुद का ही बदलते हैं, पर चोरों ने इनके कपड़े लूट लिए। वैसे बम्बई में आप लोग क्यों जा रहे हो? वो जी ऐसा है कि वहां ना एक डॉक्टर बीमार है, बस उसी का हाल पूछने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर जरूर ठीक हो जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। ओ पुत्र चलो। ओ थैंक यू वेरी मच जी, आपने तो कमाल कर दिया। ओ नमस्कार जी। ओ बाजे। ओ नमस्कार। ओ जी ओ नमस्कार जी। देखो देखो, एक शेव करने वाला बना हुआ है और दूसरा शेव करवाने वाला, मुझे तो दोनों चोर लगते हैं। ओहो फिर चोर, चोरों की फिकर छोड़ो और जो गाड़ी में बैठे हैं ना उनकी भी कुछ फिकर कर लो। पल्ली बाजी, चोर भी सोच रहे होंगे कि पहले दाढ़ी बना लेते हैं फिर ही चोरी करेंगे। हद होती है शक की भी बाजी। ओए शक और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हैं? मैं क्या जी? ये भी आपके प्रेमनाथ ने कहा था? और प्रेमनाथ नहीं, प्रेमचंद। वैसे ये चाय जी ने कहा था। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी आंखों में? ओ जी आपकी आंखों में, ओए, ओ दूर दूर तक पेड़ पौधे, अजी पंछी। मेरी आंखें या बस की खिड़की? हाय हाय आपकी आंखें कहाँ जी, ये तो आईना है, आईना जिसमें मैं ये पूरी दुनिया देख सकता हूँ। राजी अगर प्रजा है जी के आंख में कहीं पेट्रोल पंप दिखाई दे तो बताना, वो हमें गड्डी में डीजल भरवाना है ना। पाजी हमने तो इन्हें खोला है, ये कह रहे हैं लुट गए लुट गए, फिर से बांधूं? नहीं नहीं नहीं, बांध देता हूं मैं। ओ रुक यार धर्म, ये लूटा आप लोगों को? यही के तो चोर थे, हमें लूट के भाग गए, अब घरवाली को क्या जवाब दे?
पाजी कहीं ये वही चोर तो नहीं जिनके बारे में बलवंत पाजी पूरे रास्ते में शक करते आए? कहाँ गए वो लोग? हमें लूट के जंगल की ओर भाग गए। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? पाजी मुझे लगता है हम लोग ना बल्ली पाजी को दिखा के शक दूर कर लिए ना। लूट गए भाई साहब, बर्बाद हो गए। आप थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप थोड़ी दूर तक हमें छोड़ दीजिए। क्या हुआ था भाई? क्या हो रहा है? राजू एक मिनट जरा। जिन चोरों पे आप रास्ते में शक कर रहे थे ना, मुझे ये लोग वही लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये चोर नहीं हो सकते। इनके हाथ मुंह तो पहले से ही बंधे हुए थे ना। इससे क्या होता है भाजी? अभी भी कहता हूँ अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर मत कहना कि मैंने आपको शक करने का मौका नहीं दिया। वो नहीं भी नहीं, हर किसी पे शक नहीं करना चाहिए। जिंदगी विश्वास से चलती है, शक से नहीं। चल ले चल। चलो चलो भाई, ऐसे रोते नहीं। हमारी चाय जी ने कहा है अच्छे बच्चे रोते नहीं है। चलो सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो। भाई साहब, आप लोगों ने तो चोर को देखा है ना? मैंने आज तक कभी किसी चोर को नहीं देखा। वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं? वो तरम पुत्र, चोर अलग नहीं होते। वो हमारे तुम्हारे और इनके जैसे ऐसे ही होते हैं। हमारे जैसे क्यों? हमने आज तक कभी कुछ चुराया? क्यों, तुमने मेरी वो जलेबी वाली प्लेट नहीं चुराई थी? हाँ हाँ, फिर तो चोर मेरे जैसे भी हो सकते हैं। अरे लेकिन वो तो मैंने हीरो पर जाके कहने पे चुराई थी। हीरो तू? हीरो तू? तू? नहीं मर जानी है, तूने धर्म को कहा था जलेबी चुराने को? हाँ भाभी, इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे कान में कहने लगी कि ना सोनी जलेबियाँ खा रही है, जा थोड़ी सी जाके चुरा ला। इन्होंने कहा था। मुझे पता ही था ये धर्म से कोई अधर्म जरूर करवाएगी। अच्छा, अरे वाह, जलेबियाँ हीरो ने चुरवाई और नाम बेचारे तरम पुत्र दा आ गया। बेचारा पुत्र, जलेबियाँ चुराई इसने और बैठी कैसे, बिल्कुल इन दोनों की तरह। चाय जी, जलेबियाँ तो कल चुराई थी ना, आज थोड़ी ना चुराई है। अबे शंकर शंकर, बस कर। कोई बात नहीं भाई साहब, हमने सोनी को नई जलेबियां लाकर दे दी थी, आप मत रोइए। वैसे भाई साहब, वो आपका लूट कर क्या गए थे, क्या हुआ क्या था एक्चुअली? आप वैसे लूटा क्या था? वो वैसे रहने देना बेटा, देख क्या हालत हो गई इनकी। पे नमक नहीं छिड़कते हैं। चाय जी, अगर जले पे नमक नहीं छिड़कते तो क्या छिड़कते? अब क्या नमक और क्या छिड़कना, हमारा तो सब कुछ जल गया। एक मिनट भाई साहब, लूट गया के जल गया क्या? अब जी वो लूट गया जी, लूट गया। पाजी ये बात तो पक्की है भाई, इस रास्ते पे चोर होंगे जरूर। पाजी ये भी हो सकता है ये चोर हमारे आसपास ही हों। कुलजीत पुत्र, अपने गहनों का बक्सा है ना, वो संभाल के रखना। अब इन दोनों को तो चोर लूट गए, अब जरूर दूसरी चोरी की योजना कर रहे होंगे। ठीक है, संभाल लिए हैं चाय जी मैंने। क्या बताएं बहन जी, घर जाने का मन ही नहीं करता, क्या मुंह लेकर घर जाए। भाई साहब अब चोरी हो गई, लूट गए, जो होना था वो हो गया। अब तो मूड को ठीक करने का एक ही तरीका है, क्यों जी? और वो तरीका मैं बताता हूँ आपको। मैं तुमको जरनैल सिंह के दोस्त का किस्सा सुनाता हूँ। जरनैल सिंह के दो दोस्त थे, एक अल्टा और एक पलटा। दोनों ने एक दिन चोरी करने की सोची और वो चोरी करने के लिए घर के अंदर घुस गए और वहां से उन्होंने जो हाथ में आया उठा के भाग लिए और उनके हाथ में आए दो मोजे। अल्टा इधर भाग लिया, पलटा इधर भाग लिया। अल्टा ने मोजे के अंदर हाथ डाला और देखा उसके अंदर थे 47 लाख रुपये। उससे उसने जायदाद ली और उससे उसने सारे लोन चुका दिए और ऐश की जिंदगी बिताने लग गया। पलटा ने मोजे के अंदर हाथ डाला, उसके हाथ आए लोन के पेपर।
और पलटा बेचारा आज तक लोन चुका रहा है। ओए, ओए परमीत की होया? चाची रास्ता बहुत खराब है। अरे भाई साहब, ये जगह कौन सी है? और आपको कौन सी जगह जाना? ये जगह तो हमारी भी पहचान की नहीं है। अरे लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। अरे उधर शाम होने आई है, यहीं रुक जाए। ओ कुलजीत, मेरे गहनों का बक्सा देना। अच्छा चाची। भाई साहब, लगता है हम रास्ता भटक गए, तो आज रात हमारे होटल में ठहरिएगा। होटल? क्या बात है भाई, तुम दोनों के लिए अलग से तंबू भी लगाया हुआ है। सोने का इरादा नहीं है तुम्हारा? हम क्या सोएंगे साहब, हमारी तो नींद ही उड़ गई है। आराम से सो जाइए। हाँ, हम लोग है ना जागने के लिए। क्यों? हम चौकी करेंगे आपके सामान की, आपकी गड्डी की भी। ना जाने चोरों का क्या भरोसा है, कहां से आ जाए। ठीक है भाई, नींद आ तो सो जाना। हाँ जी। रसमलाई खानी है? अबे सो रहा है। कौन है? चोर! परमीत इंदर चोर! कौन है? क्या हो गया चाहिए?
अरे पकड़ लिया ये भारे खड़े, अरे रुक दो, अरे चोर 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 क्या हुआ चाची जी, मर्चेंट चोर थे, सामान तो सारा यही है।